हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बस मैंने जो है बालों पर ड्रायर किया है, थोड़ा सा सुखाया है। मेरे बाल धोने जरूरी थे क्योंकि मैंने बुधवार को धोया था लास्ट बार जो है सर, कल भी नहीं धोया था संडे में, और आज जो है मंडे में धोया है। तो थोड़ा सा इनको ड्रायर कर लिया है ताकि ना ये थोड़े से वो हो जाएं, गीले गीले ज़्यादा ना रहें। तो मैं अब जो है थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ। मैंने यही वाला सूट पहना है जो आपने देख लिया है, और गरम सूट जो है एक कल पहन लिया था, मतलब गरम ज़्यादा है नहीं तो फिर यही पहन लिया, और इसके ऊपर स्वेटर पहन लिया है। मैं अपनी चप्पलें वगैरह निकालती हूँ, नई वाली चप्पलें पहनने का मौका मिल गया है। चप्पलें चप्पलें, ये रही मेरी चप्पलें। क्या कर रही है, ये कैसे हो गए बाल जबूतरे, ये देखो ये क्या कर रही है। हेलो, हम पहन रहे हैं, लग रही है। आज अंदर पहन के, मैं भी पहनू। तूने मेरी नई चप्पलें देखी? नो। तूने मेरा वीडियो नहीं देखा था चप्पलों वाला? अच्छा हाँ, ये तो देखी। तू फ्रॉड है। नहीं, ये देखी है। ये देखी है, बता मैंने कितने कितने की बताई थी ये? पैसे नहीं चुके लगे। तो ये मैं कैसे लेकर आई थी ये बता, बदल के तुक्का मार लिया। पहले आज की नहीं, पहले कुछ डिफरेंट आ गई थी, मतलब ये कलर थी, ये कलर। तूने भी नोटिस किया था? नो, तुमने बताया था, यानी तूने देखा था। तूने देखा था इसका मतलब? नो, हमने सुना था। हम जा रहे हैं घूमी घूमी करने, इसको कल कहीं घूमने जाना था, तो मैं इसको बार बार फोन कर रही थी, तो इसलिए ये कहीं जा नहीं पाई थी घूमने ज़्यादा, मतलब ना। बाकी तो आप इसका वीडियो देखोगे, बाकी फैमिली व्लॉग्स का तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये कहाँ गई थी कहाँ नहीं गई थी, पर हाँ ज़्यादा घूम नहीं पाई थी। तो इस चक्कर में मैंने कहा चलो घुमा लाते हैं, और यहाँ ना चक्रोता में बर्फ भी पड़ी है, तो अब देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि हम बहुत लेट हो गए हैं चक्रोता के लिए स्पेशली। तो देखते हैं कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे इन लोगों को लेकर, विपिन है ले जाने वाले भैया, और जो है सब तैयार हो गए हैं। सबसे लास्ट में मैं नहाई हूँ, सबको नहाने के बाद आजा। चलिए चलते हैं घूमी घूमी करने के लिए। 12:15 हो रही है और मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल तैयार जाने के लिए। अब हम निकलेंगे क्या, और मास्क लेना बहुत जरूरी है, एक एक्स्ट्रा ले लिया है। तो चलिए हम भी कहीं घूम के आते हैं, मजे करते हैं, एंजॉय करते हैं, न्यू ईयर का ही हो जाएगा ये। कुछ लेना तो नहीं है अंदर से? अब सब हो गया। मेरे को लेना है, ठाओ गोदी में। चलो चलो प्रिया जी, आ लेके चलो तुझको मैं एक ऐसे देश में जहां मिलती हैं खुशियां हमारे भेस में। यहाँ के रास्तों से आप वाकिफ़ ही हैं, क्योंकि बहुत बार मैं आपको इस रास्ते से कालसी माता के मंदिर ले जा चुकी हूँ। तो ये वही रास्ता है, और यहाँ पर रुक गए हैं इनको दिखाने के लिए प्रियारों को, क्योंकि यहाँ पे ना एक बहुत ही स्टोरी है, मतलब इस पुल की, ये जो आप सामने देख रहे हैं चाबी वगैरह गिरा दी थी, मतलब कुछ स्टोरी है, काफ़ी नहीं बहुत वर्षों पहले की, मुझे ज़्यादा नहीं पता है, तो इसीलिए मैं वो स्टोरी छेड़ भी नहीं रही हूँ, क्योंकि फिर देखो थोड़ा सा अधूरी बात बताने से अच्छा है कि बताओ ही ना, क्योंकि फिर लोगों में जागरूकता होती है। तो किसी दिन विपिन बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊँगी यहाँ के बारे में। और हवा बहुत तेज़ चल रही थी और बाल मेरे हल्के हल्के गीले थे, तो मैंने खोल लिए थे, क्लचर हटा दिया था, मैंने कहा पूरे ही सूख जाएंगे, फिर इतने अच्छे से ड्रायर से नहीं सूखे थे जितने अच्छे हवा से सूख गए हैं। और यहाँ पे हम दोनों जो है देख रहे हैं पहाड़ देख रहे हैं, और देखो जो कोई पहली बार देखता है ना उसको बहुत अच्छा लगता है। जब मेरी शादी हुई थी और जब मैं ये पहाड़ देखती थी मुझे बहुत अच्छे लगते थे, और आज भी अच्छे लगते हैं। तो
तो वैसे ही इन लोगों को भी बहुत पसंद आ रहे हैं, प्रिया को, भैया को, बच्चों को तो होता ही है। बच्चों को तो चाहे एक बार दिखाओ, हजार बार दिखाओ, बच्चों को तो होता ही है भाई। लेके चलो, कहीं भी लेके चलो, चाहे पहाड़ हो या ना हो, तो इनको बहुत अच्छा लगा। शांति वगैरह जैसा कि है यहाँ पे चारों तरफ, वो उनको बहुत पसंद आई है प्रिया को, क्योंकि हमारे एरिया में ना बहुत शांति सी रहती है। और जो लोग उधर की साइड से होते हैं, दिल्ली हो, मेरठ हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, या फिर कहीं से भी हो, उत्तराखंड में एक शांति का माहौल रहता है, जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इतना भीड़ भाड़ नहीं रहती है यहाँ पे ना। प्याल कर दो चोनी को। ओए ओए, डर गई डर गई डर गई चोनी। चिज्जी खाई? चिज्जी चिज्जी खाने दे खाने दे खाने दे, वो पीछे डर रही है, खिला दे। तो चक्रोता से थोड़ा सा पहले ही एक है मैगी पॉइंट, यहाँ हम रुके हैं, जहाँ पे आपको हमने छोटी छोटी सी कैट्स दिखाई हैं। और यहाँ का जो पीछे का नज़ारा है वो कुछ इस तरीके का है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी एरिया में ही है अभी। और यहाँ पे ना ये गलगल का पेड़ लगा हुआ है जो देख रहे हैं आप यहाँ पे। अच्छा, गलगल लग रहा है नीचे। कितनी मैगी बनवा रहे हो? चार। चार बनवा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, बस जा। इसमें ऑमलेट भी बनाते हो? ऑमलेट के लिए दूसरा है। अंधेरा आ रहा है। जब दीदी को बोल दे, जैसिका को बोल दे, जल्दी ले आओ। मजा आ रहा। मैगी बढ़िया है? मैगी बढ़िया है, मैंने बनाई है। इन तीनों को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है, तीनों कूट कूट के मैगी खा रहे हैं और मुझे पूछ नहीं रहे हैं, और मुझे बिल्कुल पूछ नहीं रहे हैं। यहाँ आवाज गूंज रही है इसके नीचे। इसको देखो, इस चेहरे को ध्यान से देखो, देखिए खौफनाक चेहरे को देखो, ये कैसे टूट के खा रही है मैगी। आधा आधा किलो दे दो। साफ है ना? घूमती तू नहीं लग रही इसमें? ये उनके नहीं है, ये नई है, यहाँ की है, पहाड़ों की। दे दो फिर आधा किलो। जूस है, जूस। तो वहाँ से कुछ खा पी कर हम लोग निकल पड़े हैं आगे रास्ते के लिए। ज़्यादा दूर नहीं है अब यहाँ से, लेकिन पहाड़ों का जो रास्ता होता है थोड़ी सी दूर का भी बहुत दूर का लगता है, क्योंकि थोड़ा गाड़ी आराम से चलानी पड़ती है, देख कर चलानी पड़ती है। और अगर आप ऐसे मतलब बर्फ़ वगैरह देखने जा रहे हैं, तब तो और भी ज़्यादा केयरफुल होकर ड्राइव करना पड़ता है। तो वही है, चला रहे हैं विपिन धीरे धीरे गाड़ी, और थोड़ा जो है आना जाना चल रहा है रास्ते, मतलब सुनसान नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर जो जब बर्फ़ पड़ती है तो अधिकतर लोग बाहर से देखने के लिए आते हैं बर्फ़ वगैरह को। वैसे सच बताऊं, मुझे बिल्कुल भी चाव नहीं होता है कि मुझे बर्फ़ देखनी है, ये है वो है मुझे, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को पता ही है, जान गए हो, मुझे डर वगैरह लगता है इन सब चीज़ों से ना। और बच्चों को भी मैं जाने नहीं देना चाहती हूँ। बस ये है, जब कोई आता है या प्लान बनता है, सबके लिए करना पड़ता है। पिछले साल भी हम गए थे भाभी और हम सब लोग साथ में, तब भी मैं चली गई थी, मैंने कहा चलो चलते हैं सबके लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने लिए नहीं सबके लिए करते हैं। तो देखिए बर्फ़ शुरू हो चुकी है, चक्रोता नज़दीक आता जा रहा है। पहले भी जब आए थे ऐसे ही बर्फ़ मिली थी, लेकिन अब क्या हुआ कि कल बर्फ़ पड़ी है और आज हम गए हैं। तो
उड़ गए हम रोड पे चलेंगे थोड़ा आगे नहीं बेटा मम्मा साथ ही बचपन नहीं बेटा स्नो मुझे बताइए मुझे बताइए भाई गिर ना जाना पर क्योंकि इसमें स्लिप बहुत जल्दी होता है आदमी तनमे इधर बेटा भाग मत स्लिप हो जाएगा सॉक्स भीग गई वेरी गुड सॉक्स दूसरी भी लाई होगी तू मैंने कहा सॉक्स भीग गई हाँ नहीं भाई ज्यादा देर हम यहाँ नहीं रुक सकते मैं वरना हम फिर जाएंगे तो हाथ कैसे हो तुम लोग ना तुम ढीले हो जाओगे नहीं भाई तन्मय भागो मत तन्मय मुझे गाड़ी में कितनी बड़ी बर्फ पड़ी ऊपर गाड़ी के ऊपर बर्फ जमे जम रही आओ जाओ आओ इधर आओ इधर आओ भैया का ये कल रात से खड़ी होगी गाड़ी यहाँ वहां नीचे स्लिप तनमय ग्राउंड नहीं है बेटा ये रोड है अरे मैं कहीं का भाग छूट रहा तो सामने देखो पेड़ पे कौन बैठा है मैं जूम करके दिखाती हूँ देखा मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था धूप सेक रहा था क्योंकि ना ठंड हो रही है आजकल तो सभी को ठंड लगती है चाहे जानवर हो इंसान हो और इन दिनों की जो धूप होती है ना वो सबको चाहिए लेकिन धूप जो है इन दिनों बहुत ही कम टाइम के लिए आती है कुछ एक घंटे के लिए मुश्किल से 10-12 बजे शुरू होती है और 10-12 बजे भी हर घर पर नहीं आती है कुछ एक घरों पर आती है और 3-3:30 तक चली जाती है मीठी मीठी हो जाती है बहुत ही ज़्यादा ठंडी वाली तो हम निकल चुके हैं आगे के लिए कहाँ के लिए घर के लिए अब हम घूम लिए हैं हमें बर्फ दिखानी थी प्रियारों को वो हमने दिखा दी है तो अब चलते हैं वापस अपने घर की तरफ और रास्ते में आपको दिखाती हूँ बहुत ही खतरनाक रास्ते होते हैं इधर जब आगे आगे आप पहाड़ों पर चलते रहते हैं तो इस तरीके से लेकिन नज़ारे बहुत खूबसूरत होते हैं सामने के पहाड़ जैसे कि आप देख रहे हो है ना कितने खूबसूरत तो ये तो खूबसूरत होते हैं नज़ारे लेकिन रास्ते थोड़े होते हैं भैया लेकिन क्या करें जब इन नज़ारों को अगर आपको देखना है तो इन रास्तों से होकर तो आपको गुजरना पड़ेगा ही लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम ही ऐसे रास्तों पर जाऊँ कभी मैं अपने लिए नहीं जाती हूँ कि भाई मुझे खुद के लिए मैं अकेले को जाते हुए नहीं देखाऊँगा मैं किसी ना किसी के साथ ही जाती हूँ तो मेरे को क्योंकि है भाई देखो डर है बहुत खतरनाक वाला डर है मुझे कुछ चीज़ों से जो कि मुझे लगता है मेरे साथ ही जाएगा मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन वो नहीं जाता है और ऐसी जगह जाकर ना मैं इंजॉय भी कुछ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि पहाड़ से मैं नीचे देखते हुए बहुत ज़्यादा डरती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है तो देखो आगे का रास्ता कैसा है ये देखिए वहाँ से आप देख रहे हैं वो रास्ता ना खिसक खिसक के पीछे होता जा रहा है अभी दिखाऊंगी उस रास्ते पे जाकर हालांकि वहाँ जाकर पता भी नहीं चलेगा कि दूर से ऐसा लग रहा था लेकिन वो रास्ता बहुत ख़तरनाक है इस बीच का जहाँ वो साइड की दीवार टूटी ऊपर का सारा पहाड़ नीचे आ जाएगा बस भगवान ऐसा ना हो और अगर कभी 1% ऐसा हो क्योंकि ये सब जो है प्राकृतिक चीज़ें हैं बहुत मुश्किल से वो रुका हुआ है साइड से पहाड़ों का बहुत मुश्किल से इधर की साइड ये जो दीवार है तो उस दिन इस रोड पे कोई भी ना हो क्योंकि ये चीज़ जो होती है ना बहुत अजीब सी होती है देखो कितना पत्थर वगैरह आता है जब बारिश होती है खूब होती है ये चौड़ी रोड थी और इस तरीके से खिसक खिसक के ये बहुत कम हो गई है और मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कौन कौन मेरी तरह है कमज़ोर दिल वाले लोग बोले जाते हैं जो मेरे जैसे होते हैं तो मुझे बताना वो कौन कौन है जिनको इस तरह से डर लगता है और उनका मन भी नहीं होता है मेरा मन पता है प्लेन रास्तों पर जाने का होता है
हालांकि देखिए ये सब मन मन के जो डर हैं, मैं ये भी सोचती हूँ जिंदगी है क्या भरोसा, क्या डरना, मैं बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ लेकिन है। और मुझे बच्चों को भी डर लगता है, तुम इधर आ जाओ, तुम ये मत करो, बच्चे भी परेशान होते हैं यार, मम्मी के साथ जाना बेकार है, मम्मी इंजॉय नहीं करने देती है। लेकिन माँ हूँ ना, खुद के लिए डर लगता है तो बच्चों के लिए भी लगता है। तो अब हम उन रास्तों से होते हुए आ गए हैं डाक पत्थर। मैंने कहा चलो पार्क भी घुमा देते हैं बच्चों को। तो यहाँ पे हम जो है ट्रेन में बैठ गए बच्चों के साथ। मैंने कहा चलो भाई, दिल तो बच्चा है जी, हम भी बैठ जाते हैं ट्रेन में बच्चों के साथ। मैं जब भी आती हूँ ना यहाँ पे बच्चों को लेके, तो मैं ट्रेन में ज़रूर बैठती हूँ, आपको भी पता होगा। मन करता है यार बच्चों के साथ बच्चे होने का, खूब इंजॉय करो जब ऐसे कभी निकलो तो। तो अभी जो बच्चे ट्रेन में घूमे, यहाँ पे भी बैठे, मैं प्रिया को बोल रही थी कि चल हम भी इस पे बैठते हैं, मैं मजाक कर रही थी इसका वो मत बोलना कि ऐसे बोल रही थी रश्मि, मतलब मैं मजाक में प्रिया को बोल रही थी भाई जब ट्रेन में बैठे हैं बच्चों के साथ तो यहाँ भी बैठ जाते हैं मैं और तू। तो बस बच्चे जो है खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मजे कर रहे हैं, खूब खुश हैं, बच्चों को तो ऐसे ही अच्छा लगता है। इधर जाओ में गुड्डू, तू हमारे साथ रहेगा ठीक है, मेरा फेरू है ना, मेरे साथ रहा कर दो। काहे तो हम लोग पहुंच चुके हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो बच्चों को भी जिद थी कि हमें अरोमा जाना है, तो मैंने कहा चलो अरोमा चलते हैं। और अरोमा ठीक भी है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ना हर तरीके का ध्यान रखा जाता है। तो बस यहाँ पे तन में आके इस ट्री को देख के, क्रिसमस ट्री को देख के बहुत खुश हो गया है। तो वो देखे जा रहा है, उसकी बातें इतनी अच्छी लग रही थी इस ट्री को देखते हुए, वो मैं आपको सुनाती हूँ। और फिर कुछ खाएंगे पियेंगे यहाँ से, फिर निकलेंगे हम लोग। सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज। ये देखो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन। इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, छोड़ दो वहाँ पे। खुशालपुर तक तो था, वहां आया था, वहां तक तो था, उसके बाद नहीं मिल रहा, वापस गए भाई। चल दे, मन्ना का यार वो कुशालपुर पहुंच गए जहां तक फोन था, फोन नहीं मिला, वापस आए यार यहाँ तक तो था, कहाँ गया, कहाँ गया। आते आते देखता है नदी में घुस में चल रहे थे, उस सौरा किसी ने ट्रक वाले ने चिपका दिया। और भाई देखा हो ये क्या करा भाई, तो यहाँ पर सब अपनी अपनी किस्से सुना रहे हैं। होता भी है जब चार लोग मिल जाते हैं तो फिर पुरानी बातें छिड़ जाती हैं, सब अपनी अपनी छोटी छोटी स्टोरियाँ लाइफ में इतनी सारी इकट्ठी हो जाती है ना कि उन्हें बताने बैठो तो मज़ा बहुत आता है, सुनने में भी और सुनाने में भी। तो अभी जो है विपिन सुना रहे थे, आपने सुना होगा, वो शादी के टाइम का किस्सा बता रहे हैं, जब हम लोगों की सगाई हुई थी या रोका हुआ था या कुछ भी कह लो कि पसंद करने गए थे उसी दिन रोक आए थे, तो तभी जो है उससे अगले दिन की बात बता रहे हैं विपिन का फ़ोन वगैरह का जो किस्सा था। तो वो बता रहे हैं कि फ़ोन चाहिए था क्योंकि रिंकी का फ़ोन आना था, मतलब मेरा रश्मि का, तो वो फ़ोन टूट गया था, नंबर उसी में ही था। तो वो सारी चीज़ें वो यहाँ पर बता रहे थे किस तरीके से हुआ, क्या हुआ। मुझे भी अच्छा लगा ये किस्सा, मैंने भी पहली बार सुना है। मुझे वो लाइफ पसंद नहीं, मुझे अपने एंगेज करा और चाय बनाने दी, ज्यादा बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि फीलिंग आती है। बिल्कुल नॉर्मल फील, अब हमें पता नहीं है, हम और नॉर्मल फील करवाएंगे। हम तो सच में अब तक फील करवा ही नहीं रहते, ये नेचुरली हो रहा था, हमें नहीं पता था। नहीं नहीं मुझे नहीं, शादी ब्याह में किसी के यहाँ जाता हूँ तो मैं पूछता हूँ काम क्या, काम मुझे पता नहीं था स्टैंडर्ड क्या हो, और सारे दरवाजे एक से बहुत बड़ा घर भाई, टॉयलेट का पता लगाया बेडरूम का, भैया रात को तो जब मैं तो शर्मा तो थोड़ा सा ज्यादा, अब नहीं, अब तो एकदम उलट हूँ, पहले बहुत शर्मा, पहले मतलब चला गया, मैं बैठ के पूरा दिन। तो इस तरीके से बारी बारी सभी ने अपने किस्से सुनाए, और मैं सच बताऊं तो वो किस्से इतने प्यारे थे, इतने मजेदार थे, खूब हंसे हम लोग, खूब सारी हमने बातें की।
अगर मैं वो सारे किस्से आपको सुनाती ना तो मुझे यकीन है आप सब भी उन सभी छोटी छोटी कहानियों को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते, खूब हंसते भी। लेकिन वही है ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाता तो इस वजह से जो है फिर मैंने ज़्यादा किस्से आप लोगों को सुनाए नहीं। तो कोई बात नहीं, ये मिलना मिलाना तो चलता रहेगा, तब आप लोगों को सुना देंगे बैठकर आराम से। तो चलिए चलते हैं, अब इस वीडियो का एंड करते हैं। कल फिर मिलूंगी आप सबसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय, गुड नाइट।